हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपेन और आज हम लेकर आ रहे हैं वोकैब रूट सीरीज का अगला रूट वर्ड, जिसका नाम है जेनेसिस। एक ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या फिर ओरिजिन, यानी जन्म या उद्भव। चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जेनेसिस, जेनेसिस से देखते हैं कौन कौन सा वर्ड जेनरेट हो सकते हैं। पहला जेनेटिक्स, दूसरा जेनेटिक, तीसरा जेनेटिसिस्ट, जेनियालॉजी, जेनियालॉजिस्ट, जेनियालॉजिकल, जेनरेट, जेनरेटर, रीजेनरेट, साइकोजेनिक, जीन, जेनिटल, कंजेनिटल इत्यादि। तो चलिए एक एक करके विस्तार में चर्चा करते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को तीन वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव। ऐसे एजेटिव सफिक्स है, मीनिंग होता है परटेनिंग टू, से संबंधित। एस नाउन सफिक्स है, मीनिंग होता है स्पेशलिटी या साइंस, विशेषज्ञता या विज्ञान। means pertaining to science that deals with the transmission of hereditary characteristic from parent to offspring, यानी वह विज्ञान जो अनुवांशिक विशेषता को माता पिता से संतान में हस्तांतरण को सुलझाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। फ्रेंड्स, एस यहाँ नाउन सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड नाउन होगा। इसे अनुवांशिकी या जनन विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जेनेटिक, इसे दो वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव। आईसी हमारा एजेटिव सफिक्स है, मीनिंग होता है परटेनिंग टू, से संबंधित। मीन्स परटेनिंग टू बर्थ या हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी जन्म या अनुवांशिक विशेषता से संबंधित। फ्रेंड्स, आईसी यहाँ एजेटिव सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। इसे अनुवांशिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जेनेटिसिस्ट, इसे तीन वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव। आईसी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, मीनिंग होता है परटेनिंग टू, से संबंधित। आईएसटी हमारा नाउन सफिक्स है, मीनिंग होता है पर्सन हो, यानी वह व्यक्ति। मीन्स अ पर्सन हो स्पेशलिस्ट अबाउट हेरिडेटरी या बर्थ, यानी वह व्यक्ति जो अनुवांशिक या जन्म संबंधी विशेषज्ञ हो, जेनेटिसिस्ट कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आईएसटी नाउन सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड नाउन होगा। इसे अनुवांशिक विज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड
जेनियोलॉजी, इसे तीन वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मुनि होता है बर्थ, ओरिजिन जन्म या उद्भव, लोगोस भी हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है स्टडी या साइंस, यानी अध्ययन या विज्ञान। वाई नाउन सफिक्स है, मीनिंग होता है स्पेशलिटी यानी विशेषज्ञता। मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ फैमिली ट्री और एंसेस्ट्रल ऑरिजिन्स, यानी यह वंश वृक्ष या पैतृक उद्भव का अध्ययन होता है। वाई यहाँ नाउन सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड नाउन होगा। इसे वंशावली या वंश क्रम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जेनियोलॉजिस्ट, इसे तीन वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव, लोगोस भी हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है स्टडी या साइंस, अध्ययन या विज्ञान। एसटी हमारा नाउन सफिक्स है, मीनिंग होता है पर्सन, वह व्यक्ति। मीन्स अ पर्सन हु स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, यानी वह व्यक्ति जो वंशावली का अध्ययन करता हो जेनियोलॉजिस्ट कहलाता है। फ्रेंड्स आईएसटी यहाँ नाउन सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा नाउन होगा। इसे वंशावली विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जेनियोलॉजिकल, इसे चार वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव, लोगोस भी हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है स्टडी या साइंस, अध्ययन या विज्ञान। आईसी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है और एएल भी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, दोनों का मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू यानी से संबंधित। मीन्स पर्टेनिंग टू फैमिली ट्री और एंसेस्ट्री, यानी वंश वृक्ष या वंशावली से संबंधित। फ्रेंड्स आईसीएल एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड एडजेक्टिव होगा। इसे वंशावली संबंधी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जेनरेट, इसे दो वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव। एट हमारा वर्ब सफिक्स है, मीन्स टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न या पैदा करना। एटी वर्ब सफिक्स है, इसीलिए कंप्लीट वर्ड वर्ब होगा। इसे उत्पन्न करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जनरेटर,
इसे तीन वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव, एटी हमारा भाव सफिक्स है और ओ आर नाम सफिक्स है, मीन्स वन हु प्रोड्यूस समथिंग, यानी वह व्यक्ति या वस्तु जो कुछ उत्पन्न करता हो, जनरेटर कहलाता है। फ्रेंड्स ओ आर यहाँ नाम सफिक्स है इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा नाउन होगा। इसे जनक या जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड रीजनरेट, इसे तीन वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। री प्रीफिक्स होता है, मीनिंग होता है अगेन, पुनः, जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव, एट वर्ब सफिक्स मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन, यानी पुनः उत्पन्न करना या पैदा करना। एट यहाँ वर्ब सफिक्स है इसलिए कंप्लीट वर्ड वर्ब होगा। इसे पुनर्जन्म देना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, साइकोजेनिक, इसे भी तीन वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। साइकी ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है माइंड, मन या आत्मा, जेनेसिस भी हमारा ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव। आईसी एजेटिव सफिक्स है, मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू, से संबंधित। मीन्स एबिलिटी टू बर्थ फ्रॉम माइंड, यानी मन से उत्पन्न या पैदा होने योग्य। आईसी है एजेटिव सफिक्स है इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। इसे मनोत्पन्न या मनोजन्य कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जीन, फ्रेंड्स जीन सभी लोगों ने सुना होगा, जो बायोलॉजी के प्रजनन तंत्र से संबंधित वर्ड है। फ्रेंड्स जीन जेनेसिस से ही बना है, जेनेसिस हमारा ग्रीक रूट है और इसका मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव। मीन्स द पार्टिकल ऑन द क्रोमोसोम ऑफ द जर्म सेल कंटेनिंग अ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी जनन कोशिका यानी क्रोमोसोम पर रहने वाला जीन नामक तत्व जो अनुवांशिक विशेषता को धारण करता है, जीन कहलाता है। इसे हिंदी में भी जीन ही कहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, ये सीजर यानी कैची टाइप का जो इमेज दिख रहा है ये क्रोमोसोम है और इसी क्रोमोसोम से कनेक्टेड है जीन। ये जीन का तीन पार्ट होता है, अग्रभाग जिसको एक्सोन बोलते हैं, आंतरिक भाग या मिडिल भाग जिसको इंट्रॉन बोलते हैं और रियर एंड भी एक्सोन ही कहलाता है। तो ये रहा हमारा जीन का इमेज। नेक्स्ट वर्ड जेनिटल, इसे भी दो वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जेनेसिस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन,
जन्मे उद्भव। एल हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू, से संबंधित, मीन्स पर्टेनिंग टू बर्थ या ओरिजिन, यानी जन्म या उद्भव से संबंधित। फ्रेंड्स एल एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड एडजेक्टिव होगा। इसे जनन संबंधी या जननांगीय कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड कंजेनिटल, इसे तीन वर्ड पार्ट में थोड़ा जा सकता है। हमने अभी भी पढ़ा जेनिटल, अब हम पढ़ेंगे कंजेनिटल। कन यहाँ लैटिन प्रीफिक्स है, मीनिंग होता है विद या टुगेदर, के साथ या एक साथ। जेनेसिस भी ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन, जन्म या उद्भव। एल हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू, से संबंधित, मीन्स पर्टेनिंग टू फ्रॉम बर्थ, यानी जन्म के साथ से संबंधित। फ्रेंड्स एल यहाँ एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। इसे जन्मजात या पैदाइशी कहते हैं। फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए रूट वर्ड के साथ, जिसका नाम है मेट्रन। एक ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है मेजरमेंट यानी माप। एक और रूट वर्ड पढ़ेंगे ओस्टियोन, ये भी हमारा ग्रीक रूट होगा, होता है बोन हड्डी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।